और चाय वाय अलहमदुल्ला पी ली, और जो हमारी पली थी वो भी निपटा ली, काम वगैरह अपना कर लिया, और अभी आई हूँ डिनर बनाने। डिनर में क्या बन रहा है, तो आज हम मैं बनाऊँगी गार्लिक, ग्रीन गार्लिक की रोटियाँ, और उसमें मक्खन भी जाएगा, हरी मिर्च भी जाएंगी, मतलब ग्रीन चिली भी जाएगी और ग्रीन गार्लिक, और जो मसाले डालूंगी वो भी आपको बताऊंगी। उसके अलावा हमें चाहिए राइस फ्लोर, तो अभी मैं राइस फ्लोर निकलने लगी हूँ। सो अभी मैंने राइस फ्लोर निकाल लिया है और अब इसको करेंगे साइड पे, क्योंकि हमें जो ग्रीन गार्लिक और हरी मिर्चें हैं वो कूटनी है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ना कूट लेंगे, क्योंकि बारीक हो जाएंगे जैसे ही, तो वो ना हमें आसानी होगी आटा गूंदने में और पकाने में, वरना वो निकल जाएंगी, इसलिए कूटना मस्ट है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून चिली पाउडर, क्योंकि मज़ा तो आना चाहिए ना खानों में और ये बड़ी मज़े की बनती है, आप ट्राई करने हो आपको पता चल जाएगा। और ये बड़ी मज़े की बनती है। और जो फ्लोर को है ना, हमने ना ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा मतलब हार्ड करना है, सिर्फ नॉर्मल सा होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, पूरा सारा जो मिक्सचर होता है ना वो इतना पतला करके फिर तवे पे डालते हैं और गोल घुमाते हैं। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं पकाते हैं, हमारा स्टाइल थोड़ा चेंज है, वो आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्सचर है ना वो कैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना वो क्या कहते हैं ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस मतलब समझ जाएं, आप समझ जाएं, बस देख लें और समझ जाएं और वैसा ही बनाइए, बड़े मज़े की बनेगी। और ये सर्दियों में बहुत खाने में अच्छी लगती है, रात के टाइम में डिनर में तो हाई हाई हो जाती है। आप बनाएं और खाएं और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपके आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस आटे को हमें 2 से 3 मिनट के लिए गूंदना है, क्योंकि जितना आप गूंदेंगे अच्छी तरह वो रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और देखती जा रही हूँ कि ये कैसा मुझे चाहिए ना, जैसे मैं पहले ही बता दिया था कि मुझे हार्ड नहीं चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और उसके बाद लास्ट में हम इसको ऑयल लगाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी। ऑयल लगाएंगे और मैं यहाँ पे आप सबको एक टिप दूंगी, जिनकी भी राइस फ्लोर की रोटी अच्छी नहीं बनती या टूट जाती है, तो उनके लिए ज़बरदस्त सी टिप है। तो आप सबसे पहले तवे पे ना थोड़ा सा ऑयल लगाएं, उसको सारे तवे पे मल लें, जिस तरह मैंने साफ़ कर लिया ना तो कर ले। उसके बाद अगेन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगाना है, उसके बाद ये आप रोटी जैसे डालेंगे ये घूमती जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, बिल्कुल भी नहीं, ये ना ही ये बाद में टूटेगी, इतनी अच्छी तरह बनेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। वरना राइस फ्लोर की जो भी रोटी होती है ना वो सारी टूट जाती है या चिपक जाती है, तो बहुत से कम लोगों की अच्छी बनती है, और बहुत पतली बनती बनानी चाहिए, पतली वाली में बहुत मज़ा होता है, मोटी रोटी बहुत से लोगों को नहीं पसंद, इसलिए ये मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे तो बहुत साल हो गए हैं और मेरी तो बहुत माशाल्लाह से अच्छी बनती है, और मैं इसी तरह ही बनाती हूँ, पहले ऑयल लगाती हूँ, साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं रोटी डालती हूँ, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्ती बनती है। और गार्लिक रोटी में तो सिर्फ गार्लिक ऐड करना होता है, जो मैंने कुछ आपको बताया वही ऐड करिए और ऐसे बनाइए। और ये रही हमारी गार्लिक रोटी, और अब मैं इसको लगाऊंगी बटर 1 टेबल स्पून, ये मेरा घर का बटर है तो मैं इसलिए वाइट है, अगर आप बाहर का लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, घर का है तो वो तो क्या ही बात है, उसकी अपनी खुशबू होती है बड़ी मज़े की। सो मैं अब सारी रोटी को
लगा दूंगी। और फिर बस ये हो गई रेडी। और मैंने देख रहे हैं साइड से कि मेरे आलू भी फ्राई हो रहे हैं। सो अब आप इसको एक सेकंड के लिए बस उल्टाएंगे, पलटाएंगे और फिर बस उतार लेंगे। और ये चेक करें आप इसका फाइनल लुक, कितनी लजीज और मज़े की बनी है। वाओ माशाल्लाह। और मैंने साइड पे आलू रखे थे फ्राई करने के लिए, और मैंने इसमें ऑयल ज़्यादा डाला और सिर्फ इसमें नमक और धनिया पाउडर, जो धनिया सीड्स होते हैं ना, सिर्फ मैंने वो ऐड किए। उसके बाद मैंने इसमें भी गार्लिक ऐड कर दी ग्रीन गार्लिक, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह पकाया। लास्ट स्टेज पे मैंने सिर्फ चिली पाउडर ऐड किया और बस वो यहीं पे ही गल गए। इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार से बने हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये हमारी रोटी भी आप देख रहे हैं कि कितनी लजीज बनी है। लास्ट में मैंने इसमें मक्खन वगैरह भी लगा दिया था। और ये रहा फाइनल लुक, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। सो हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग एंड करने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अभी के अभी दबा दें ताकि हर न्यू वीडियो आपको जैसे ही आए और आपके पास पहुंच जाए। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अब करते हैं डिनर, ट्राई करते हैं, बड़े मज़े की बनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वाओ। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।